हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे भाई सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और अभी भाई हम निकल रहे थे काम पे, तो ये चीज़ भाई होती है हर किसी के साथ मेरे ख्याल से भाई, ये चीज़ होती होगी कि अगर जब भाई इंसान के ऊपर ना मुसीबत आती है ना, तो चारों तरफ से आती है, एक ही तरफ से नहीं आती भाई, वो चारों तरफ से आती है। ऐसे ही भाई अभी तबीयत भाई गड़बड़ थी, उसमें भाई दवाई पानी, इसमें भाई पैसा खर्चा हो रहा था। अब मैंने कहा थोड़ा मोड़ा काम करूंगा, आज थोड़ा मोड़ा भाई काम करने के लिए निकले था भाई, गाड़ी सेल्फ मार रहा हूँ, गाड़ी भाई स्टार्ट ही नहीं हो रही है, क्योंकि भाई उसकी बैटरी भी आज ही ख़राब होनी थी। और बैटरी भाई ख़राब हुई, अभी उसकी मैंने भाई बैटरी चेंज करवाई है महत्ते पे जाके, 230 रियाल की भाई, वो भी भाई बैटरी महंगी थी है, लेकिन क्या कर सकते भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं था ना, तो वो भी भाई पैसे मुँह मांगे मांगा, तो भाई क्या करे मजबूरी में भाई, चल भाई जब चारों तरफ पैसे जा रहे हैं भाई, तू भी भाई पैसे ले ले। तभी भाई मैंने बैटरी डलवाई इसमें अपनी गाड़ी में, अब बैटरी डलवा के अब निकला हूँ काम पे। और अंगर स्टेशन पे भाई ये देखो अपना पहला ऑर्डर है, और ये क्या नोटिफिकेशन आ रहा है अभी भाई, चल तू निकल अभी, ये अपना पहला ऑर्डर अभी मैंने लिया है बेलोसे से, और अभी लेके भाई चलता हूँ। एक घंटा हो गया, एक घंटे में एक ऑर्डर आया, इतनी देर में भाई वहाँ तो ऑर्डर की भरमार पड़ जाती दो नंबर पे, और यहाँ देखो एक घंटे बाद एक ऑर्डर आया है, वो भी 3-4 राउंड गाड़ी एक जगह खड़ी करके रखा, ऑर्डर ही नहीं आ रहा था, फिर दोबारा 2 राउंड मार के आया हूँ, तब जाके अपना पहला ऑर्डर आया। कोई नहीं भाई, अभी अपना लाइट ओके करवा के फिर उसके बाद सीधा इधर से निकल जाएंगे, इधर रुकने का काम नहीं अपना। अब टाइम हो रहा है 6:55 और मैं आ चुका हूँ भाई अपनी लोकेशन पे, exit number 2 पे भाई। यहाँ से फिलहाल ऑपरेशन से हमने लिया है एक ऑर्डर, और ऑर्डर कह रहा हूँ ऑर्डर ऑलरेडी रेडी है, चलते हैं मेरे भाई ऑर्डर लेते हैं। ये ऑर्डर नंबर 2 है, और टाइम कितना हो रहा है 6:55, और मैं निकला भाई कितने बजे हूँ, 3:45 का निकला हुआ हूँ। अब देख लो भाई, क्योंकि वहाँ 28 नंबर पे भाई ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, पता नहीं क्यों वहाँ इतने ऑर्डर कर ही नहीं पाता मैं। कोई नहीं भाई, चल के पहले ये ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं इधर। इधर ऑर्डर सही आते हैं भाई, 1 नंबर ऑर्डर आता है इधर। टाइम हो रहा है भाई 12:59, मतलब रात के 1 बजने वाले हैं, और ये है ऑर्डर भाई जो बेकरी, ठीक है, यहाँ से मैंने एक ऑर्डर लिया भाई साहब। और जब यहाँ रेस्टोरेंट पे भी जैसे आए हो ना भाई, तो ये है सामने, ये रेस्टोरेंट है जो बेकरी, और ये बंद है अब, इसके अंदर भाई कोई है भी नहीं, इस रेस्टोरेंट की में ना कोई है भी नहीं, पता नहीं लॉक वॉक करके भाई चले गए थे, ऑर्डर भाई किसने उठा लिया। तो सबसे भाई बड़ी दिक्कत ये है, ये देख रहे हो डिलीवरी कैंसल्ड, ये हो गई भाई साहब डिलीवरी कैंसल। ये देखो यहाँ पे अब लिख के आ रहा है डिलीवरी की अपनी कैंसिल हो चुकी है, तो ये भी चलो अच्छी बात है भाई, डिलीवरी अभी ओके करके देखता हूँ। हाँ टी यस, देखो यहाँ से अपना ऑर्डर कैंसिल हो चुका है जो बेकरी का था, और ना पैसे तो नहीं कट हुए भाई, पैसे तो अपने इतने ही हैं, 422 थे, 422 ही हैं, तो ये चीज़ है भाई। और यहाँ पे ऑर्डर हट गया, ये कैंसिल हो चुका है, तो ये सिस्टम क्योंकि यहाँ पे बंद हुआ है, ये बेकरी जो है ना ये भाई बंद है, यहाँ पे जो बेकरी जो है ये बंद है, इसके अंदर भाई कोई है भी नहीं है। तो अभी चलते मेरे भाई, ऑर्डर अपना कैंसिल हो गया है यहाँ पे, तो ये भी चीज़ भाई झेलनी पड़ जाती ना कभी कभी, लेकिन हंगर में ये है मैसेज करो ना तो वो हटा देता है, इतना ताम झाम नहीं है, जायज़ की तरह इतना नहीं है, एक आधे घंटे घंटे में भाई सवाल पूछे। देखते हैं भाई कोई ऑर्डर आता है, ठीक है उठाते हैं, नहीं फिर अभी निकलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। हंगर में भाई बस यही एक खासियत है, क्योंकि अगर ऑर्डर कैंसिल होता है ना तो आपको डिलीवरी प्राइस भी नहीं देते, अगर आप रेस्टोरेंट पे हो ना तो वो आपको ना डिलीवरी प्राइस नहीं देंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये देखो मेरा 422 पहले से ही है, तो 422 ही है, ऑर्डर कैंसिल हो गया ना तो दिया भी नहीं। और जायज में क्या है भाई, आप चाहे वहीं पे खड़े होके, बाय द वे कभी कभी ना आप चाहे उसी होटल पे खड़े रहो, कहीं आगे पीछे भी ना जाओ, ऑर्डर आए उठा लो, कैंसिल हो जाए तभी भी डिलीवरी प्राइस वो दे देते हैं, लेकिन इसमें नहीं दिया, देख रहे हो 422 था भाई, 422 ही है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अब देखते हैं। टाइम हो रहा है 1 बज गया भाई, अब कोई ऑर्डर आए फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी तक मैंने टोटल कितने ऑर्डर किए हैं भाई, ये देखो 12 था, एक ऑर्डर इधर किया है, और अभी तक इसमें कितने 8-9 ऑर्डर ये किया है, 9-10 ऑर्डर टोटल मिला के आज मैंने किया है अभी तक, और देखते हैं भाई अभी तक कितने, 3-4 ऑर्डर और कर लें फिर उसके बाद निकलेंगे रूम की तरफ, क्योंकि ना अभी थोड़ा मौका है, टाइम है, रोड खाली है, ऑर्डर आए तो करें भी आराम से बिंदास। बाकी ऑर्डर अभी इस टाइम पे रात के 12 बजे के बाद फिर ऑर्डर कम हो जाता है, इतना ऑर्डर नहीं आता है, लेकिन फिर भी देखते हैं कितने ऑर्डर हो पाते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हो भाइयों, अभी सुबह के भाई टाइम हो रहे हैं, आपको दिखाता हूँ भाई, टाइम हो रहे हैं 7:06, और अभी नाश्ता करके भाई चल रहा हूँ रूम पे, और आज मैंने भाई जो ऑर्डर किए ना
आज के हालात ही मत पूछो मेरे भाई। कल मैं निकला था भाई लाइट वाइट अपना ठीक ठाक करा के, शाम को 6:30 साढ़े 6 पौने 7 बजे के आसपास का निकला हुआ हूँ भाई। और अब जा रहा हूँ रूम पे, रात में भाई खाना भी खाने नहीं आया था। मैंने कहा था थोड़ा काम करूंगा, काम अच्छा चलेगा, लेकिन भाई काम बिल्कुल ही लुल्ल था। और 12 बजे के बाद तो भाई बिल्कुल ही ऑर्डर ही आना बंद हो गया था। 9 और 4 13 एक 14 ऑर्डर किए थे, जिसमें से अभी लास्ट ऑर्डर जो मैंने किया वो कस्टमर ने पैसा ही नहीं दिया मेरे भाई। सबसे बड़ी भसड़ तो यही पड़ जाती है, कस्टमर ने साले ने पैसे ही नहीं दिया। 32 रियाल का ऑर्डर था, उसने पैसे ही नहीं दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो 200 रुपये का भाई चलो फिर भी गिर पड़ के कैसे भी करके 200 रुपये, यार मेरे तो रुपया ही आता है, रियाल तो पता नहीं, रियाल का कोई वही नहीं है। जब देखो जब रुपये ही निकलते हैं, मतलब 200 रियाल का मैंने काम किया गिरते पड़ते हुए कैसे तैसे और करके। और अभी यहाँ से नाश्ता करके अब चल रहा हूँ भैया रूम पे, क्योंकि अब टाइम हो गया अपना सोने का। और अब निकलूंगा शाम के टाइम, शाम के कितने बजे, 3-4 बजे के आसपास निकलेंगे आराम से तसल्ली से, फिर उसके बाद फिर काम करेंगे। क्योंकि 12 बजे के बाद भाई ऑर्डर आना बहुत ही जीरो हो जाते, मतलब 10% हो जाता है, 100% में से ना 10% 5% पे पहुंच जाता है, बिल्कुल ही एकदम ही ऑर्डर ही नहीं आते। आते हैं तो भाई बहुत लंबे लंबे ऑर्डर आते हैं। तो चलते हैं मेरे भाई रूम पे, और रूम पे चल के अब करेंगे रेस्ट भाई, उसके बाद अब निकलेंगे शाम के टाइम। ये रहा भाई आज का हमारा हिसाब किताब है, आज 12 तारीख है, 12 तारीख में मैंने किए हैं भाई 4 ऑर्डर, ठीक है, रात 12-1 बजे से लेके और 7 बजे तक, ठीक है, 4 ऑर्डर किए हैं। टोटल 5 ऑर्डर किए हैं, जिसमें से एक ऑर्डर अभी कैंसिल हो गया तो उसको इसमें नहीं काउंट हुआ। और 11 तारीख में आपको दिखाता हूँ, ये 11 तारीख है जो शाम के टाइम किया था, 9 ऑर्डर ये किए हैं और 4 ऑर्डर ये, टोटल मिला के रात को जो पूरा मैंने काम किया 13 ऑर्डर किए हैं। 13 ऑर्डर में भाई अपना जो काम हुआ है 200 का काम हो गया है, क्योंकि ये मैं छोड़ के गया था 280 पे और अभी 493 है, तो 200 कुछ का काम हुआ है, 210 213 के आसपास का मैंने काम किया है। तो चलते हैं भाई, अब सोते हैं, अब निकलेंगे शाम के टाइम आराम से।